के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा, नक्सलवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। तो कांग्रेस के लोग बेदम रहते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, घुटने टेकते थे। एक तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और एक कांग्रेस थी अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी ना आतंकवादियों को। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज भारत का नागरिक कोई भी जाता है दुनिया के अंदर उसका सम्मान होता है, सीमाएं सुरक्षित हैं, नक्सलवाद उग्रवाद और आतंकवाद समाप्त हुआ है। 1952 में कांग्रेस ने एक दंश दिया था देश को कश्मीर में धारा 370 के रूप में, यह आतंकवाद की जड़ थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आतंकवाद के इस दंश को सदैव के लिए उखाड़ करके समाप्त कर दिया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त, पत्थरबाजी समाप्त। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा, नक्सलवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। नहीं तो कांग्रेस के लोग बेदम रहते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, घुटने टेकते थे। एक तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भी आतंकवाद को बोझ मान रही है, और एक कांग्रेस थी अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी ना आतंकवादियों को। आप मुझे बताओ कि आतंकवादी मारे जाने चाहिए कि नहीं मारे जाने चाहिए? ये समाज के बोझ है, सबकी सुरक्षा के लिए खतरा है, और कांग्रेस गरीबों को भूखों मारती थी और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, ये इनके हाथ थे। और मोदी जी तो 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं, पिछले 4 साल से दे रहे हैं, अगले 5 साल तक लगातार देंगे। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया। Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.